खबर छत्तीसगढ़ से है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए किसानों को लेकर सौगंध खाई है। रायपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाथ में गंगाजल ले लिया। गंगाजल लेकर कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हालांकि किसानों की कर्ज माफी के लिए शपथ लेने वालों में सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने भी 100 रुपयों के स्टैंप पेपर पर एक हलफनामा दायर कर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है। कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो सर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो भी वादे सर सर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो सर तस्वीरें हम उनकी दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा ड्रामा हुआ है छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को लेकर उन्होंने सौगंध खाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं RPN सिंह, उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए कैसे उन्होंने हाथ में गंगा जल लिया हुआ है और गंगा जल लेकर वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे कांग्रेस